और वहीं उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। परिजनों के साथ पूरा देश पलके बिछाए मजदूरों के टनल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में मजदूरों के बाहर आने के बाद सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 बिहार के और 15 झारखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद से देश के 8 राज्यों के रहने वाले इन 41 श्रमिकों के यहां जश्न का माहौल है। इन 41 श्रमिकों में से झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं, जिनके बाहर आने के बाद परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। रांची के ओर मांझी स्थित खैरा बेड़ा गाँव में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। गांव के 3 लोग अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया और सुखराम बेदिया टनल में फंसे थे, जिनके बाहर आने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। घर वालों का कहना है कि दीपावली के दिन ये बुरी खबर आई थी, अब बेटे के लौटने के बाद दिवाली मनेगी। हाँ, खुशी है कि कल शाम को निकला है, तो बोल रहे हैं कि खाना पीना के लिए नहीं खाता था, लेकिन रात को हम लोग खाएँ, सब कोई मिल के बैठे, मर मेहमान आ रही है, सब कोई बोल रहा है कि कब बेटा, लेकिन फिर भी सब कुछ अभी ठीक ठाक है। सब कुछ के वहाँ पर मैं लगा के निकाल के और मेडिकल लगा हुआ है, और वहाँ अब आज भेजेंगे कि कल भेजेंगे। थोड़ा निकलेगा तो सूरज बोला के उसको लगेगा ना, एकदम खुश करती सब। अच्छा ठीक है, अनिल बेटा हमको निकल गया ना, बहुत एकदम हंसी लग रहा है। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के 6 लोग भी टनल में फंसने वाले मजदूरों की सूची में शामिल थे। मानिकपुर गांव के गुणाधर नायक, रंजीत लोहार और रविंद्र नायक, तो वहीं डुमरिया गांव के टिंकू सरदार, बाकी शोल के समीर नायक और कुंडालुका गांव के भक्तू मुर्मू के टनल से बाहर निकलने के बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और टनल में फंसे मजदूरों के परिवार वालों के साथ मिलकर उनके साथ जश्न मनाया। बेशक बेशक, क्योंकि इन्होंने 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ करके और उसमें उन्होंने जीत हासिल करके यहां तक पहुंचे हैं, और ये खबर सुन करके सबसे पहले मेरी और पूरे जो भी इस न्यूज़ को सुनने के लिए जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब मोमेंट है। हम लोग को भी लगता था कि जो रिस्क जो किया जा रहा है कब इसकी सफलता मिलेगी, और हम लोग लगातार परिवार वालों से संपर्क में रहते थे। हमारा बेटा अखन बाहरी जाइ छे, अखन बहुत खुशी आछी, जेमन हमारा बेटा घर पहुंची थे, हमें बहुत खुशी आछी, बहुत खुशी अखन आछी। खूटी के कर्रा प्रखंड अंतर्गत गुमड़ू गाँव और डुमारी गाँव में भी काफी उत्साह है। गुमड़ू गांव के लोगों में मिठाइयां बांटी गई। गुमड़ू गांव के विजय होरो भी उन श्रमवीरों में शामिल हैं जो टनल के भीतर मौत को मात देकर लौटे हैं। वहीं डुमरी गांव के रहने वाले चमराव राव के परिवार वालों की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। मधुगमा गांव में भी खुशी का माहौल है। मधुगमा गांव के गणपति के टनल से निकलने के बाद परिवार वालों को अब उनके घर लौटने का इंतजार है। बहुत खुश है। अच्छा, इसीलिए सबको धन्यवाद। मोदी नरेंद्र मोदी की दुआ से भी अच्छा है, निकल गया गुफा से बाहर। वहीं पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गांव में भी खुशी लौट आई है। गांव के बेटे महादेव नायक के टनल से बाहर आने के बाद गांव में मिठाई बांटी गई, पटाखे फोड़े गए, महादेव नायक के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बहुत खुशी है, एकदम निकल गया कल लड़का ना, अब बहुत खुशी से हम मने रह रहे और पूरा टोला वासी भी सब खुशहाली से है। हाँ, अभी खुशी है, मेरा भतीजा बोल के हाँ ठीक है, अभी सब लोग खुशी में। मैं ईश्वर और तमाम बचाव दल के साथ साथ सरकार, उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको मैं दिल से और महादेव टोपो के परिवार की तरफ से, समस्त चेलाबेड़ा के ग्रामीणवासियों की तरफ से बधाई। यार 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन सुबह करीब 5 बजे भूस्खलन हुआ, जिसमें कंपनी के 2 फोरमैन
और 41 श्रमिक टनल के भीतर फंस गए। गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर रॉडी टॉप के करीब ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ये सुरंग बनाई जा रही है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और लोगों का 45 मिनट का समय भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।